एनिमल के बाद बॉबी देओल का नाम कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। पहले बताया गया कि वो सूर्य की फिल्म कंगुआ में विलेन बनने वाले हैं, फिर खबर आई कि वो आलिया भट्ट और शर्वरी की स्पाई फिल्म में भी विलेन बनेंगे। ये फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। अब बताया जा रहा है कि बॉबी अनुराग कश्यप के साथ काम करने वाले हैं। ये एक थ्रिलर फिल्म होगी जिसे बड़े कास्ट के साथ तैयार किया जाएगा। पीपिंग मून में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग और बॉबी एक दूसरे के काम को पसंद करते हैं और साल 2017 से साथ काम करना चाहते हैं। हालांकि कुछ महीने पहले ही अनुराग उनके पास एक तगड़ी कहानी लेकर आए। दोनों लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित हैं और बस शूट शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने में भी अभी वक्त है, हालांकि उससे पहले फिल्म की कहानी बाहर आ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कहानी एक असली घटना से प्रेरित है। बॉबी एक ऐसे आदमी का रोल करेंगे जिसे झूठे रेप केस में फंसा दिया जाता है। फिल्म की स्क्रिप्ट एक ऐसी किताब पर आधारित है जो अभी पब्लिश नहीं हुई है। अनुराग और दो राइटर्स मिलकर उस किताब को फिल्म के लिए अडॉप्ट रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग मई से शुरू होने वाली है और अधिकांश हिस्सा मुंबई में ही फिल्माया जाएगा। बताया जा रहा है कि बॉबी के अलावा फिल्म की लंबी चौड़ी कास्ट होने वाली है। अगर इन दोनों के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अनुराग की फिल्म कैनेडी 2024 में रिलीज हो सकती है। सनी लियोनी और राहुल भट्ट को लेकर बनाई गई ये फिल्म दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की जा चुकी है। बाकी कंगुआ के अलावा बॉबी पवन कल्याण की फिल्म हरी हरा वीरू मल्लू में भी नजर आएंगे। उसके साथ ही वो आर्यन खान की सीरीज स्टारडम का भी पार्ट है। बॉबी कुणाल कोहली की थ्रिलर फिल्म देसी शर्लॉक में भी काम कर रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट के अलावा बॉबी की एक फिल्म लंबे वक्त से अटकी हुई है। नेटफ्लिक्स ने अब्बास मुस्तन को एक फिल्म बनाने के लिए कहा था। बॉबी देओल और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स के लिए पेंट हाउस नाम की फिल्म बनकर तैयार हुई, लेकिन वो अब तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स फिल्म से संतुष्ट नहीं है, ऐसे में मेकर्स उसे किसी दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूँ मनीषा और सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।